नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर सोमवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने निवास स्थान से साइकिल पर अपने दफ्तर सिविल सचिवालय पहुंचे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ मीडिया सलाहकार राजीव जैन और अन्य गणमान्य व्यक्ति वे स्टाफ के सदस्य भी साइकिल पर साथ चले। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पहला सुख निरोगी काया का संदेश देते हुए राज्य के लोगों को साइकिल को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की एक खास रिपोर्ट। अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जितना संभव हो सके साइकिल पर चलने का अभ्यास बनाना चाहिए। अब ये अलग बात है कि हर किसी की अपनी परिस्थितियाँ कितना उसको अनुमति देती हैं, उसकी आयु के हिसाब से उसका स्वास्थ्य कितना उसको अनुमति देता है, इस हिसाब से हर वर्ग के लोगों को, हर आयु वर्ग के लोगों को, हर प्रकार के रहन सहन के वाले इलाके में अगर साइकिल का प्रचलन बढ़ेगा, खास करके बड़े शहरों में, इससे पर्यावरण की जो समस्या है वो हल होगी, प्रदूषण नहीं फैलेगा। गाड़ियाँ जितनी कम चलेंगी उतना डीजल पेट्रोल इसकी भी खपत कम होगी और हमारे स्वास्थ्य के लिए ये लाभदायक होगी। कुछ शहरों में हमने योजना को क्लियरेंस दे दी है, जैसे फरीदाबाद, गुरुग्राम और करनाल। आगे और भी शहरों में इन साइकिल ट्रैक के बनने के बाद उस प्रकार की सफलता कितनी मिलती है, इसी प्रकार से जैसे पंचकुला में भी किया जा सकता है, हिसार में किया जा सकता है, रोहतक में किया जा सकता है, ऐसे बड़े बड़े जो नगर हैं उन नगरों के अंदर साइकिल ट्रैक बनाने का, अगर पहले वाले शहरों में साइकिल ट्रैक सफल होते हैं।